For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान का ऐसा कहना है कि तेरे नाम फिल्म से हम ऑडियंस को, हम यूथ को गलत मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात किसने कही है, किसने इस बात का खुलासा किया है कि सलमान तेरे नाम के उस स्टोरी से, उस कंसेप्ट से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, चलिए आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। बात की जाए अगर सतीश कौशिक जी की, तो हाल ही में एक लाइव इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया तेरे नाम के बारे में, किस तरीके से ऑडियंस जो है ऐसी फिल्मों को, ऐसे कैरेक्टर्स को, जो मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं उनको ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, तो उस पर सतीश कौशिक जी का कहना था कि सलमान खान तेरे नाम की कॉन्सेप्ट से कभी भी राजी नहीं थे। जी हाँ, सलमान ने साफ साफ कह दिया था कि हम एक रॉन्ग मैसेज देंगे अगर हम इस तरह के कैरेक्टर को दिखाएंगे, मेरे जरिए अगर हम दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज जाएगा यूथ तक कि वो इस तरह का एक प्यार कर सकते हैं किसी से, या इस तरह की एक डोमिनेटिंग लव को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा फील होगा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन तब छिड़ी जब कबीर सिंह 2018 में कबीर सिंह फिल्म आई, और जिसने आते ही ऑडियंस के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दी, क्योंकि डेफिनेटली कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म थी जिसको पॉजिटिविटी तो मिली लेकिन नेगेटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा मिली, और उसको कहीं ना कहीं तेरे नाम के राधे से कंपेयर किया जा रहा था, जहाँ पर ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ कि राधे भी एक इसी तरह का कैरेक्टर था जो डोमिनेटिंग होकर लड़की को ज़बरदस्ती प्यार करने पर मजबूर किया, और इस तरह की तमाम चीज़ें। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो सलमान की दाद देनी चाहिए, जिस तरीके से सलमान खान ने उस वक्त जब तेरे नाम आई थी तब भी इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी कि मैं इस कंसेप्ट से फेमिलियर नहीं हो रहा हूँ और मैं इस कंसेप्ट को प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सलमान को तेरे नाम करनी पड़ी, लेकिन सलमान इस मैसेज के, जो मैसेज तेरे नाम के थ्रू जा रहा था, उसके सख्त खिलाफ थे। इस चीज़ पर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।